82वां यौम पाकिस्तान आज रिवायती जोशो खरोश से मनाया जाएगा। वफाकी दारुल हुकूमत ने तीनों मुसल्ला अफवाज शानदार परेड का मुजाहरा करेंगी। हाल ही में पाक फजाए में शामिल होने वाले जदीद जेट एंड जंगी तैयारों का फ्लाई पास्ट भी होगा। परेड में चारों सूबों आजाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के सकाफती फ्लोर्स भी शामिल होंगे। OIC वज़ीरे खारजा भी यौम पाकिस्तान परेड में खुसूसी तौर पर मदो। इस्लामी ममालिक किसी ब्लॉक में जाने या जंग का हिस्सा बनने की बजाय मुत्तहिद रहकर अमन में शराकत दार बने। मजहब का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं, इस्लामोफोबिया एक हकीकत है, हमें अपना बयानिया आगे बढ़ाना होगा। 5 अगस्त को भारत ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत तब्दील कर दी, लेकिन आलमी बरादरी खामोश है। वजीर आजम इमरान खान का OIC वज़ीरे खारजा कौंसिल के 48वें इजलास के इफ्तिताही सेशन से खिताब। ब्रॉडशीट के सरबराह कावे मौसवी साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ इल्जामात से दस्तबरदार हो गए, माफी भी मांग ली। कहा एहतसाब के नाम पर नवाज शरीफ को निशाना बनाने की कार्रवाईयों का हिस्सा बनने पर शर्मसार हैं। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का कहना है कि कावे मौसवी का नवाज शरीफ से माफी मांगना हुक्मरानों के मुंह पर तमाचा है। मरियम नवाज कहती हैं कि मौसवी का माफीनामा इमरान खान के खिलाफ चार्जशीट है। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोन पर राबता, तहरीक आदम एतमाद पर बात। इस्लामाबाद में जल्द मुलाकात का भी इम्कान, कराची में मौलाना फजल रहमान की MQM क्यादत से मुलाकात, कहा MQM के मरकज से मुतमईन होकर जा रहा हूं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज अहसन का कहना है कि वजीर आजम अक्सरियत खो चुके हैं, शेख रशीद की बातों से इत्तेहादियों को तकलीफ पहुंची, हुकूमती तर्जुमानों ने केस खराब कर दिया, नून लीग अपोजिशन को नुकसान पहुंचाएगी। हुकूमत के 40 से ज्यादा रहनुमाओं ने अपोजिशन जमातों से राबते किए हैं। रहनुमा JUIF कामरान मुर्तजा का News 1 के प्रोग्राम प्राइम टाइम विद TM में दावा। लीगी रहनुमा अली गौहर बलोच तहरीक आदम एतमाद की कामयाबी के लिए पुरुद। पीपल्स पार्टी के आगा रफीउल्लाह ने हुकूमती मशीनरी को अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल करने का इल्जाम लगा दिया। रहनुमा PTI इब्राहिम खान बोले, अपोजिशन बैरूनी साजिशों की आलाय कार बनी हुई है। KP बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले में जाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी, इलेक्शन कमीशन ने वजीर आजम को पेश न होने पर दोबारा नोटिस जारी कर दिया। सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम ताहा का यमन में खून रेजी फौरी बंद करने का मुतालबा, कहा कश्मीरी आवाम को अकवामे मुत्तहदा की करारदादों के मुताबिक हक खुद इरादियत दी जाए, अफगान अमन के लिए आर्मी बरादरी से राबते में है। सऊदी वजीर खारजा ने कहा मसला कश्मीर के मुनसफाना हल के लिए आर्मी बरादरी को किरदार अदा करना चाहिए। चीन के वजीर खारजा वांग जी का कहना था कि तारीख ने साबित किया कि चीन मुस्लिम दुनिया का इंतहाई मुखलिस दोस्त है, इस्लामी दुनिया के साथ मरबूत तआवुन के साथ साथ इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम और तरक्की के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। चीन दो रियासती हल के लिए फलस्तीनी अवाम के साथ खड़ा है। सदर अमरीका डॉक्टर आरिफ अलवी से चीन के स्टेट काउंसलर और वजीर खारजा की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। सदर अमरीकत ने OIC ममालिक के वजीर खारजा के एहसास में अशाया भी दिया। आर्मी चीफ से सऊदी किर्गिस्तान के वजीर खारजा और अजरबैजान के वजीर दिफा की मुलाकातें, जनरल कमर जावेद बाजवा ने OIC इजलास को तारीख इकदाम करार देते हुए कहा है कि इजलास से दुनिया इस्लामी ममालिक की मुश्तरका हिकमत अमली और सोच से आगाह होगी।
पेशावर के करीब पाक फजाई का तरबियती तैयारा गिरकर तबाह हो गया। तर्जुमान के मुताबिक तरबियती तैयारा ट्रेनिंग मिशन के दौरान गिरकर तबाह हुआ। दोनों पायलट शहादत के रुतबे पर फाइज हो गए। हेडक्वार्टर्स ने वजूहात जानने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी तश्कील दे दिया। सऊदी अरब में दो साल बाद खाने काबा और मस्जिद नबवी में एतकाफ करने की इजाजत दे दी गई। उमरा और इबादत की बगैर किसी पाबंदी के मुकम्मल इजाजत होगी। It's a lovely drive. It's got that away through the covers. Chase is on. Oh, it's a nice shot down the ground. That's a beautiful. तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच के दूसरे रोज के अख्तिताम पर पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग्स में एक विकेट के नुकसान पर 90 रन बना लिए। अजहर अली 30 और अब्दुल्ला शफीक 45 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया टीम अपनी पहली इनिंग्स में 391 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। पीसीबी का यौम पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के हमराह मनाने का ऐलान। मिनो कादर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट का तीसरा रोज यौम पाकिस्तान के नाम कर दिया। और शाद रहेगा पाकिस्तान। यौम पाकिस्तान की मुनासिबत से आईएसपीआर का मशहूर कुन मिली नगमा जारी। वजारत इत्तलात ने भी प्रोमो जारी कर दिया। सरजमीन पाक है, ये अमन की तस्वीर है। देखा था जो इकबाल ने सुखाब की ताबीर है।